हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल राम सजीवन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप इवन के सॉल्व पेपर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे जी प्रोटीन स्टिमुलेट्स, अर्थात साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मार्ग में जी प्रोटीन उत्तेजित करता है। ऑप्शन है दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कामडीलिन, एनिल साइक्लेज, फास्फोलाइपेज सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एडेनिल साइक्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मेनोपॉज दी प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन डज नॉट टेक प्लेस इन वोमेन, अर्थात रजोनिवृत्ति के बाद किस हार्मोन का उत्पाद स्त्रियों में बंद हो जाता है। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल्स आर फाउंड इन, अर्थात वेसल्स उतक पाए जाते हैं। ऑप्शन साइकस, एफेड्रा, नीटम, पाइनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नीटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमालिक्यूल इज कॉमन टू रिस्पायरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा जैव रसायन श्वसन द्वारा वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को तोड़ने में समान है। तो ऑप्शन इसका पाइरुविक एसिड, एसिटिल को एंजाइम ए, फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, फ्रक्टोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एसिटाइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज, अर्थात इनमें से कौन सा जलीय जाति है। ऑप्शन है रिक्सिया बिलार्डियाई, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया गैजेंटिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रिक्सिया फ्लूटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर वर्किंग ऑन ट्रीटमेंट इन पार्किंसंस डिजीज, अर्थात किसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था पार्किंसन बीमारी के इलाज पर काम करने के लिए। ऑप्शन इसका अर्विट कार्लसन, वाल्टर कार्न, फेरिद मुराद, रॉबर्ट वी लाफलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अर्विट कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रेनियल बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन स्कल, अर्थात मानव खोपड़ी में कितनी कपाल हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंडरपेस्ट डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात रिंडरपेस्ट बीमारी संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रूमिनेंट्स, अर्थात जुगाली करने वाले पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ सूल इज ट्रीटेड विथ जिप्सम टू मेक इट सुइटेबल फॉर क्रॉपिंग, अर्थात किस प्रकार की मृदा में जिप्सम डाला जाता है कि उससे खेती की जा सके। तो ऑप्शन है इसका सूल विथ एक्सेसिव क्ले कंटेंट, एसिडिक, वाटर लॉक्ड, एल्केलाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप हैज ऑल प्लांट्स विच प्रोड्यूस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, अर्थात इनमें से कौन सा पौधों का गुच्छा है जिससे गैर भ्रूण पोषीय बीज पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ग्राम, पी, बीन, ग्राउंडनट, अर्थात चना, मटर, बीन्स, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ, अर्थात धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल ऑयल्स आर, अर्थात आवश्यक तेल है। ऑप्शन है लेस वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल, स्वीट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हाईली वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्थात निम्न में से कौन सी तकनीक पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसका स्प्रेइंग ऑफ एरोसॉल, यूज ऑफ सीएफसी अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बायोरेमिडिएशन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बायो रेमिडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई सेकंड ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए बी प्रोड्यूस टॉक्सिन डेट कंट्रोल, अर्थात क्राई सेकंड ए बी एवं क्राई फर्स्ट ए बी विष बनाते हैं जो नियंत्रण करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कॉटन बॉलवर्म्स एंड कॉर्न बोरर रिस्पेक्टिवली, अर्थात कपास की सूड़ी एवं मकई छेदक क्रमश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी बिटरनेस इन फूड इज आइडेंटिफाइड बाई पार्ट ऑफ द टंग, अर्थात खाने का कड़वा स्वाद जीभ के भाग से पहचाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पोस्टेरियर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मैराइन एनिमल इमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी इन डार्कनेस, दिस इज नोन एज, अर्थात कुछ समुद्री जीव अपने शरीर से प्रकाश फेंकते हैं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन है फ्लोरिसेंस, फास्फोरेसेंस, बायोलुमिनेसेंस, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बायोलुमिनेसेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोटाइपिक जीनस, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा जीनस मोनोटाइपिक है? ऑप्शन है माइक्रोसाइकस, जमिया, इफेड्रा, नीटम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, माइक्रोसाइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, अर्थात वन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन भोपाल, देहरादून, न्यू दिल्ली, लखनऊ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फिनोमेन इन विच वन एलील ऑफ ए जीन सप्रेसेस दी एक्टिविटी ऑफ अदर एलील ऑफ सेम जीन देन इट इज कॉल्ड एज, अर्थात जब तक जीन का एलील उसी जीन के दूसरे एलील को प्रभावित कर दबाता है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है एपिस्टेसिस, इनएक्टिवेशन, सप्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप शोज होमोस्पोरी, अर्थात किस ग्रुप में समबीजाणुता दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इक्विसीटम, साइलोटम, लाइकोपोडियम, टेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द यूनिवर्सल डोनर, अर्थात इनमें से कौन सार्वभौमिक दाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फोर प्लांट्स हैव बेटर प्रोडक्टिविटी बिकॉज, अर्थात सी फोर पौधों में ज्यादा उत्पादकता होती है क्योंकि? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सी फोर प्लांट्स लैक फोटो रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमाइलोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थात निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन माल्टेज, लैक्टेज, इरेप्सिन, सुक्रोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इरेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में प्लास्टिक बैग के विरुद्ध विश्व का सबसे कठिन कानून लागू किया? ऑप्शन है केन्या, भारत, फ्रांस, जापान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क ग्राउन सीडलिंग डिस्प्ले ट्रिपल रिस्पॉन्स वेन एक्सपोज्ड टू इथाइलीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल रिस्पॉन्स, अर्थात अंधेरे में वर्धित नवोद्भिद एथिलीन के प्रभाव से प्रतिक्रियान दर्शाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतिक्रियान का अंग नहीं है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रैपिड अनफोल्डिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ लीव्स, अर्थात पेड़ों का तेज खिलना तथा विस्तरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वार्मिंग शब्द गढ़ा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वालेस स्मिथ ब्रोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इन सम एनिमल्स इज ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अर्थात कुछ जंतुओं में रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें होता है ऑप्शन हेमोसाइनिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, हेमोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऑक्सीजन की उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं करता है। ऑप्शन है सी, फोर प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स द एक्सेस साल्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू वैक्यूल्स बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सोडियम हाइड्रोजन आयन एंटीपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज करेक्टली मैच्ड, अर्थात इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डेल्टा सेल ऑफ पैनक्रियाज, सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स एंडोस्पर्म, अर्थात यदि एक आवृत बीजी नर पौधा डिप्लॉयड और मादा पौधा टेट्राप्लॉयड है तो इसके एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पेंटाप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केल्टन एट ऑल, अर्थात निम्नलिखित में से किसमें कोई कंकाल नहीं होता है। ऑप्शन है सिल्वर फिश, जेली फिश, स्टार फिश, स्पंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सिल्वर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज द मोस्ट टूवर्ड्स द टोटल ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की ओर सबसे अधिक योगदान है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपाउंडिंग ऑफ सोलर एनर्जी, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है। ऑप्शन है ग्रीन प्लांट्स, प्रोटोजोवा, फंगस, बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है। ऑप्शन है रेजिन, निकोटीन, साइक्रीन, कैफीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, साइक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम री एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, अर्थात इनमें से कौन भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। ऑप्शन है विलाई, इलियोसिकल वाल्व, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलियोसिकल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीथ टेस्ट टेकन बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूज्स, अर्थात ट्रैफिक पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच हेतु इस्तेमाल करने हैं। ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन सी,
पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्लॉइड्स आर प्रीफर्ड ओवर डिप्लॉइड्स फॉर म्यूटेशन स्टडीज बिकॉज, अर्थात अनुगुणित को द्विगुण से ज़्यादा पसंद किया जाता है उत्परिवर्तन अध्ययन के लिए क्योंकि, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दी रिसेसिव म्यूटेशंस विल एक्सप्रेस दी इन दी फर्स्ट जनरेशन, अर्थात उत्परिवर्तन पहली पीढ़ी में व्यक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ, अर्थात हमारी हड्डी एवं दांत बने हैं, ऑप्शन फ्लोरोपेटिट ट्राइकैल्शियम फास्फेट हाइड्रोलिथ क्लोरोपेटिट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ट्राइकैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरेडिटरी डिजीज, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत नहीं है, ऑप्शन ल्यूकेमिया हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस थैलेसीमिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल यू यूज टू आइडेंटिफाई मोर देन 1000 डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन्स इन नॉर्मल एंड ट्यूमर टिश्यू इन वन सिंगल एक्सपेरिमेंट, अर्थात एक ही प्रयोग में सामान्य एवं आवृत उत्कों में 1000 से अधिक विभेदी अभिव्यक्त जीनों की पहचान हेतु निम्न तकनीक से आप किसका उपयोग करेंगे, ऑप्शन है इसका जीनोम सीक्वेंसिंग CHIPSA ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस RAPD, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस कैज डिजीज, अर्थात एस्बेस्टॉस इस रोग का कारक है, ऑप्शन डिसेंट्री पैरालिसिस एम्फाइसीमा डायरिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्लोन्यूवियन इज ए, अर्थात एग्लोन्यूवियन है, ऑप्शन हेन सीफ गोट काउ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गोट अर्थात बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज, अर्थात सुसाइडल थैला कोशिका का है, ऑप्शन राइबोसोम्स न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स, अर्थात निम्नलिखित में से कौन पौधों से निकलने वाला द्रव्य पदार्थ नहीं है, ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टेज रेजिन गम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटाजेन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटाजेन है, ऑप्शन है इसका एसिटिडियोन एस्क्यूलिन कोलसिसिन सोगुआनिडीन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नाइट्रोसोगुआनिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेयर एंड इंटरग्रेडेड एनिमल ऑफ साइलेंट वैली इज, अर्थात साइलेंट वैली में पाया जाने वाला एक दुर्लभ जानवर है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेर की पूंछ वाला मकाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अर्थात अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, ऑप्शन फॉक्स गोट सीप रैबिट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट फ्रॉम एन एनिमल टू एन एग डैट प्रोड्यूस्ड ए नॉर्मल एडल्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन ए, अर्थात
निम्न में से किसमें जानवर के नाभिक को अंडे से प्रत्यारोपित करने के पश्चात एक पूर्ण वयस्क विकसित किया गया था? ऑप्शन डॉग, कैट, फ्रॉग, सीप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सीप, अर्थात भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बफर सॉल्यूशन इन रेड ब्लड, अर्थात इनमें से लाल रक्त के बफर का काम करता है? ऑप्शन है हिस्टिडीन, लाइसिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, हिस्टिडीन। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।